सो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट साइफाई या फिर साइंटिफिक फ्रिक्शन वेब सीरीज या फिर टीवी सीरीज, और कौन कौन सी इनमें से हिंदी में है या नहीं ये मैं उसी में लिख दूंगा नाम में ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले लिस्ट में आते हैं। 5 में है लॉस्ट इन स्पेस। IMDb ने इसको दिए हैं 7.3 out of 10। रोटन टमाटोज में ये है 75% फ्रेश और इसका ऑडियंस स्कोर है 94%। तो जिन्होंने देखा होगा वो सोचते होंगे कि ये और ऊपर हो सकता था, 5 से और ऊपर हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि ये काफ़ी बोर भी करता है आपको। थोड़ा सा ही बोर करता है, लेकिन बोर तो करता है कहीं ना कहीं बीच में। तो ये है नंबर 5 में। नंबर 4 ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर में कहीं भी स्पेस का कोई रिलेशन नहीं है, स्पेसशिप वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। और इसमें इसको जब आप देखेंगे तो फर्स्ट एपिसोड जब आप देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये साइंटिफिक फिक्शन कैसे है, लेकिन जब आप इसको आगे देखेंगे और सेकंड एपिसोड में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये साइफाई सीरीज़ है। और इसके सीज़न 1 में केवल 3 ही एपिसोड हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये देखना ही चाहिए, जो काफ़ी अच्छी है सीरीज़ है। IMDb ने इसको दिए हैं 8.8 out of 10। रोटन टमाटोज में 83% फ्रेश और ऑडियंस स्कोर है 93%। सो गो एंड चेक आउट द सीरीज। नंबर 3 स्टार ट्रेक पिकार्ड। अब अगर आपने स्टार ट्रेक सीरीज़ देखी है, मूवी सीरीज़, तो आपको पता होगा कि स्टार ट्रेक साइंटिफिक फिक्शन ही है। और मैं पहले ही बता दूं कि इसका मूवी से कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी सीरीज़ का मूवी से कुछ खास रिलेशन नहीं रहता अगर वो इसकी स्पिन ऑफ वगैरह है तो। जो कुछ भी अपन ने मूवीज़ में देखा है वो इस सब में नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट है जो कि मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए। IMDb ने इसको दिए हैं 7.6 out of 10। रोटन टमाटोज में 87% फ्रेश और ऑडियंस स्कोर है 91%। नंबर 2 मैंडेलोरियन। अब ये एक स्टार वॉर्स सीरीज है और स्टार वॉर्स से थोड़ा हटके है मूवीज से वगैरह से। अब ये नंबर 2 पे इसीलिए है क्योंकि मैं कुछ खास बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ स्टार वॉर सीरीज़ का, और मुझे नहीं लगता कि इसकी स्टोरी आपको बताने लायक है बिल्कुल भी, क्योंकि आप खुद ही देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक स्पिन ऑफ सीरीज़ है जो कि स्टार वॉर सीरीज़ से रिलेटेड है। IMDb में इसको मिले हैं 8.7 out of 10। रोटन टमाटोज में 93% फ्रेश, ऑडियंस स्कोर है 97% फ्रेश। Mandalorian, look outside. They're waiting for you. नंबर 1, और हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए जिन लोगों ने देखा हो, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको एक्शन पसंद है तो ये ज़रूर से आपकी फेवरेट बन जाएगी। एल्टर्ड कार्बन। हालांकि ये सीरीज़ मूवीज से उतनी ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपने अल्टर्ड कार्बन जो कि 2020 में आई हुई मूवी है, एक एनिमेटेड मूवी, वो देखी है तो उसी का कैरेक्टर टकेशी कोवैच इसमें है। और इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि लॉकहुड नाम का बंदा एक इंसान को जिसका नाम है टकेशी कोवैच उसको ज़िंदा करवाता है ताकि वो उसकी खुद की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। और जी हाँ, उसमें लोग दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। अब वो कैसे आपको खुद देखना चाहिए, क्योंकि वो बंदा खुद की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करवाता है उससे। IMDb में इसको मिला है 8.1 out of 10। रोटन टमाटोज में 76% फ्रेश, ऑडियंस स्कोर है 95%। तो मेरी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने आपको टॉप 5 बता दिए हैं, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मैं ज़रूर से बना दूंगा, और उस पार्ट में ये कोई भी सीरीज़ का नाम रही रहेगा जो इस वीडियो में है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि क्या
लिस्ट सही थी।